प्रोवाइडर कंपनी है। क्या है? सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। बातों को समझना, ध्यान से समझना है, जो कि मैं प्रोफेशनल तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, रैपिड बाजार जो है एक विंग्स है। मैं बात कर रहा हूं पूरे विंग्स की, जबकि क्योंकि रैपिड बाजार भी हमारा एक विंग्स है, मिस्टर बूट है, मैडम चॉइस है, इसके बाद रैपिड का ज्वेलरी है, रैपिड फैशन है, BHM है, ब्लैक हॉर्स मोटर्स, ओके, RFC है, रैपिड फूड कोर्ट है हमारा, रैपिड केयर है, राइट, फिटनेस भी है, ये सारे विंग्स है। आगे चल करके अभी प्लानिंग हो रही है कंपनी का, ये हरे सब्जियों में आ रही है, जिस तरीके से अभी ये है ना बिग बास्केट, उस तरीके से कंपनी हरी सब्जियां में भी लेके आ रही है। अपना वॉलेट से आप सब्जियां भी ले सकते हैं, क्योंकि अभी तक मैं जो बोलता था, कोई मुझे पूछता था कि सर आप जो रैपिड बाजार से काम कर रहे हैं तो वहां पर क्या क्या सामान मिलता है, बोलता सब कुछ मिलता है, बस एक हरा सब्जी जो है ना मार्केट से लाता हूँ, बाकी सब मैं यहीं से लेके आता हूँ। अब कंपनी ने शायद मेरी बात सुन लिए थे, क्या है अब उसकी भी प्लानिंग हो रही है, 6 मई के बाद शायद ये प्लानिंग फाइनल हो जाएगा कि अब आपको हरी सब्जियां आपके घर तक पहुंचाएगी, तो सब्जियां भी आप ले सकते हैं। अब हम बोल नहीं सकते, अब पहले टेंशन होता था कि अब सब्जी लाने जाना है, पॉकेट से पैसा लगेगा, अब वॉलेट से आप सब्जियां भी ले सकते हैं। यही नहीं, 6 तारीख को अनाउंस होने जा रही है, 6 मई को जब कंपनी इमिग्रेशन होगा उस समय अनाउंस होगा कि कंपनी जो है ये लेके आ रही है ना, इंटरनेशनल स्कूल ओपन कर रही है, सही, इंटरनेशनल स्कूल ओपन कर रही है जहां पर हमारे बच्चे पढ़ाई करेंगे और उसमें भी हम अपने वॉलेट से पैसे देंगे। मतलब जहां जहां आपकी जरूरत है, जहां जहां आपके पैसे खर्च हो रहे वहां वहां हम होंगे। तो ये एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। अब यहां पर कोई भी प्रोजेक्ट जो चलने के लिए कस्टमर चाहिए, चीजों को समझना है, कस्टमर चाहिए। अब कस्टमर चाहिए तो कस्टमर्स के लिए क्या होता है, कस्टमर्स को लाने का बहुत सारे तरीके होते हैं। अब कस्टमर को लाने के लिए हम क्या करते हैं, बोर्ड बैनर में खर्च करते हैं, आप एडवर्टाइज के ऊपर खर्च करते हैं, पंपलेट हैंडबिल छपाते हैं, यूट्यूबर को बुलाते हैं, है ना, ब्लॉगर्स वगैरह को बुलाते हैं कि आप मेरा प्रचार करो। इसके अलावा भी फिर क्या करते हैं, आप टेलीविजन पर प्रचार करते हैं, आप अपना पेपर में छपा देते हैं, है ना, करते रहते हैं बड़े बड़े होर्डिंग। अब उसमें यही नहीं, बीच बीच में हम सेलिब्रिटी को भी बुलाते हैं, फीता कटवाते हैं, उसके ऊपर बहुत बड़े लेवल पर पैसे खर्च होते हैं। तो कंपनी का कहना है ये जो पैसे जो खर्च हो रहे हैं, उस पैसे के बदले में यू कहें कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कोई कस्टमर हमारे पास आएंगे। पैसे तो खर्च हो गए, करोड़ों रुपए खर्च हो गए। एक बोर्ड बैनर अगर आप बोरिंग रोड एरिया में लगाते हैं ना, 30x40 का या 50x60 का, इस लेवल का अगर बड़ा सा बोर्ड अगर आप बोरिंग रोड एरिया में लगाते हैं तो उसका 1 लाख से 1.5 लाख के आसपास, 1 लाख से 1.5 लाख का आपका मंथली किराया है। अब उस बोर्ड से देना तो है, ऐसे ऐसे अगर 500 बोर्ड है तो क्या होगा, जोड़ लीजिएगा, तो करोड़ों रुपया उसमें खर्च होते हैं, राइट। लेकिन इसके बावजूद भी आपके पास कस्टमर आएंगे कि नहीं आएंगे, इसको कोई गारंटी नहीं है। बट प्लस पॉइंट ये है कि कंपनी ने समझा इन चीजों को कि अगर आप मेरा परमानेंट कस्टमर बन जाते हैं पहले ही, क्योंकि कंपनी का कहना है कि भाई कस्टमर बहुत चलाक है, पहले हम सुविधा दे देंगे उसके बाद कस्टमर बनेगा कि नहीं बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो सबसे पहला चीज है कि आप पहले मेरा ग्राहक बनो, कस्टमर बनो, मैं आपको प्रॉफिट दूंगा और प्रॉफिट मैं लॉयलिटी बोनस के रूप में 200% एक्स्ट्रा दूंगा। और ये 200% क्या है, ये 200% वो है जो कहीं ना कहीं दूसरे सिस्टम करोड़ों रुपया जो खर्च कर रहे थे किसी सेलिब्रिटी के रूप में या कहीं ना कहीं जो खर्च कर रहे थे, उस पैसे को यहाँ तो खर्च है नहीं कहीं, अब कहाँ देख रहे हैं, बाहर में बोर्ड बैनर प्रचार प्रचार कुछ भी देख रहे हैं क्या, कुछ नहीं देख रहे होंगे, बस जहाँ हमारा सेटअप है वहीं पर जो बोर्ड बैनर लगता है वही लगता है, सही है, सेम चीज है। अब वो पैसे जो बच रहे हैं, वो पैसे के बदले में कंपनी आपको 200% एक्स्ट्रा दे रही है लॉयलिटी के रूप, जो कहीं ना कहीं दूसरी कंपनियां ऑलरेडी उससे ज्यादा खर्च कर रही है। अब माइंड मेकअप कर लीजिए, कहीं ना कहीं दूसरी जो बिजनेस मॉडल है, या आप कोई रेस्टोरेंट वगैरह खोलते हैं तो एसोसिएट या कस्टमर को बुलाने के लिए कई सारे पैसे ऑलरेडी आप खर्च कर रहे हैं, इससे ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, फिर भी कस्टमर फिक्स नहीं है। कंपनी समझिए कम खर्च कर रही है, अगर आपको 200% एक्स्ट्रा दे रही है तो मतलब कम खर्च कर रही है कंपेयर टू अदर्स, राइट। सो
माइंड मेकअप कर लीजिए, ये कंपनी कोई तीन गुना बनाने वाला या 300% देने वाली कंपनी नहीं है। ये अगर कोई बोले एक का तीन, ये जो र्यूमर है इसको बंद कीजिए। अब क्या करना है, कंपनी कहती है आप मेरा कस्टमर बने हैं, आप एक फिक्स कस्टमर, आप मेरे साथ ये एग्रीमेंट आपने किया है कि इस पैसे से, जो पैसा से मैं आपका कस्टमर बन रहा हूँ, इस पैसे से हम आपका सर्विसेज ही यूज करेंगे, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ, राइट, जिसको रैपिड वॉलेट बोल रहे। तो कंपनी कहती है अगर आप मेरे साथ जुड़ रहे तो मैं, मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दूं। तो कंपनी कहती है कि मैं भी आपको, अगर आपने मेरे साथ जुड़ करके ये बोल रहे हैं कि आप हमारा ही सर्विस यूज करेंगे, तो मैं 200% एक्स्ट्रा दूंगा आपको। यही सिस्टम है, यही फंडा है, क्लियर हो? थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप सारे लोग का इतना बेहतरीन रिप्लाई के लिए। तो आज के बाद अगर कोई बोलता है ना कि तीन गुना करने वाली कंपनी 300%, ये सब चीजें को एकदम, ये जो र्यूमर है ना इसको साइड करने का, राइट, ये कोई कंपनी, यहीं से आपका सवाल खत्म हो जाएगा या सामने वाला का सवाल खत्म हो जाएगा। भाग गई तो कंपनी, भाग गई तो 300% कहां से देगी, ये सारी सवाल खत्म हो गए यहीं पर। क्योंकि अब आप जो कंपनी 200% एक्स्ट्रा दे रही है ना, कहां से दे रही है, आप लोगों को क्लियर हो जाएगी वो कैसे दे रही हो। बिल्कुल, मैं उसके लिए बात करूंगा, वो उसका अपना सिस्टम है, ठीक है ना, ओके शो। आगे बात करते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो क्लियर हो गया, ये 300% नहीं, ये 200% कंपनी लॉयल्टी बोनस, 100% तो आपका होता है जो आपने एग्रीमेंट करा है, अब 200% कंपनी इसके एवज में दे रही है, सही है। अब मैं बात करना चाहूंगा कि आखिर ये यहां पर हाउ टू बिल्ड अ कैरियर, कैरियर कैसे बिल्ड कर सकते, क्लियर कर दूं। तो हाउ टू बिल्ड अ कैरियर विद रैपिड वॉलेट सर्विसेज प्राइवेट, सही है। तो रैपिड वॉलेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ कैरियर आप कैसे बना सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैरियर आप तीन तरीके से बना सकते हैं, तीन तरीके से। पहला, आप हमारे एफिलिएट पार्टनर बने। एफिलिएट पार्टनर का मतलब क्या हुआ, आप 1,000, 5,000, 25,000 या 1,00,000 किसी भी पैकेज से, अगर आज हमारे साथ अगर प्राइम मेंबरशिप लेते हैं, एफिलिएट पार्टनर बनते हैं, तो उसके साथ साथ कंपनी चार तरह का तरीका दे रही है कंपनी पैसा कमाने की। अगर आप पार्टनर बने हैं और कुछ लोग अगर प्रमोट कर देते हैं, तो आपको क्या मैं दूंगा, डायरेक्ट स्पॉन्सर, मैचिंग इनकम, लेबल इनकम और हैप्पी यूजर पॉइंट जिसको बोलते हैं, और सैलरी। ये हुआ एफिलिएट पार्टनर। कैशबैक तो आपको आते ही, और कुछ लोगों को आपने प्रमोट कर दिया, तो एज अ एफिलिएट पार्टनर आपको ये बेनिफिट मिलता है। दूसरा, आप फ्रेंचाइज होल्डर बन सकते हैं। मतलब फ्रेंचाइज होल्डर का मतलब क्या हुआ, आप अगर हमारी कोई भी फ्रेंचाइजी लेते हैं, या तो रैपिड बाजार का, या RFC का, या इसका कोई भी सेक्टर, या जिम का कोई भी सेक्टर का अगर आप फ्रेंचाइजी लेते हैं, तो उस पर कंपनी अलग से लॉयल्टी बोनस देती है, इनकम एक्स्ट्रा देती है, वो भारत सरकार के नियमों के अनुसार कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, तो वो एक अलग ही इनकम है जो फ्रेंचाइजी के ऊपर है। जैसे आपने अगर किसी को मतलब अपना ही फ्रेंचाइजी अगर आपने लिया है, तो चूंकि कंपनी सारा सिस्टम बैठा करके दे रही है, इसमें आपको बड़ा बेनिफिट होता है। तो फ्रेंचाइजी के बारे में अगर जानकारी लेना चाहते हैं, तो अपने अपलायंस से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कि फ्रेंचाइजी से इनकम कैसे हो सकती है। और तीसरा जो तरीका है करियर बनाने का, वो फ्रेंचाइजी प्रमोटर। अगर आप हमारे यहाँ फ्रेंचाइजी प्रमोटर बनते हैं, मतलब खुद ना लेकर, अगर हमने नहीं लिया, मेरे पास अगर उतना इनकम नहीं है, तो मैं चाहूँ तो किसी को दिलवा सकता हूँ, आसपास में, आपके आसपास में अगर कोई मॉल्स है जो चला नहीं पा रहा, वो बंद होने के कगार पर है, उसे आप कॉन्टेक्ट करवा सकते हैं, या कोई रेस्टोरेंट है जो चला नहीं पा रहे, जो इनकम चाहिए वो नहीं ले पा रहे, नहीं कर पा रहे, तो उसे आप हमारी कंपनी से कॉन्टेक्ट करवा सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप वहां से बेनिफिट लेते हैं। 5% का डायरेक्ट बेनिफिट मिलती है, 3% आपको डायरेक्ट मिलती है, और 2% उसकी इनकम का डायरेक्टली लग